कोरोना वायरस के आंकड़े कम होते ही शहरवासियों के चेहरों से मास्क भी गायब होने लगे। जिस तरह से धीरे धीरे आंकड़े कम होते रहे हैं, उसी तरह से धीरे धीरे शहरवासी भी नियमों को गायब करते जा रहे हैं। बाजारों में लोग आपको बिना मास्क के खूब घूमते दिखाई दे रहे होंगे। आगरा के प्रमुख बाजारों दवाई मार्केट, फुवारा, राजा मंडी, शाहगंज में कई लोगों के चेहरों से मास्क गायब दिखे। लोगों का मानना है कि आंकड़े कम होने के साथ साथ अब कोरोना का संकट भी टल गया, इस वजह से भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कि हम लोगों को लगभग ये सब चीज़ों में अब चलते चलते 18 से 20 महीने करीब हो चुके हैं और हम इस अंतराल को भलीभांति गुजार चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि जब जब हम लॉकडाउन में गए हैं तब तब नंबर ऑफ पेशेंट कम हुए हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट जैसे कम हुए हैं तो वो उसकी वजह केवल यह है कि हम लोग घरों में रहे हैं, और जब हम जागरूकता हमारे अंदर आती है फिर वो एकदम गायब हो जाती है, क्योंकि वो हमारे नेचर में अभी तक नहीं आ पाया है कि हम लोगों को मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है। जो लोग थोड़े से जागरूक हैं वो आज भी उस चीज़ को फॉलोअप में लेते हैं, जो उस चीज़ की जागरूकता को ख़त्म कर रहे हैं वो फर्दर उसी फ्लो में बहते जा रहे हैं जैसे हम नॉर्मल लाइफ में पहले रहते थे। क्योंकि सर आगरा पीक पॉइंट रहा कोरोना का, बहुत सारी मौतें हुई, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन तमाम किल्लतें रहीं, उसके बावजूद लोगों की समझ में नहीं आ रहा और जैसे ही अनलॉक होता है वो सब सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। सर उसके को ख़त्म कर देना चाहिए कैसा? सर गाइडलाइन ख़त्म करने से तो चीज़ें और बेकार हो जाएंगी, लेकिन हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोगों को एक जागरूकता अभियान, जैसे पहले आप लोगों के सहयोग से चलता रहा है और आप लोगों ने भी कदम कदम पे मीडिया ने सहयोग किया है और मीडिया जागरूक भी करता रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे जो है वो प्रिंटिंग मीडिया हो, सारी चीज़ों से जो निम्न वर्ग है उसको जागरूकता आती गई है। ये बात आपकी सत्य है कि अथक प्रयास से सरकार की भारी भरकम कोशिशों के बाद कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं, लेकिन मरीज रोगियों में और जनता में ये जो धारणा है कि कोरोना ख़त्म हो गया है ये गलत धारणा है। कोरोना अभी है, उसे बढ़ने में देर नहीं लगेगी। हम जो लापरवाही कर रहे हैं, बाजारों में भीड़ हो रही है, अस्पतालों में भी आ रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ये न समझें कि कोरोना चला गया। कोरोना है, अभी बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है, तो सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सावधानी सैनिटाइजर वगैरह यूज करें और वैक्सीन लगवाएं, तभी ये कोरोना को हम हरा पाएंगे, भगा पाएंगे। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि इसका ध्यान दें और कोरोना को भगाने में मदद करें। जब आगरा शहर में कोरोना वायरस अपनी पीक पर था तब लोगों के चेहरों पर भी मास्क और सैनिटाइजेशन खूब दिखा, लेकिन अब आंकड़े कम आने लगे, जिसके साथ ही शहरवासियों के चेहरे से मास्क भी धीरे धीरे हट रहा है। अनलॉक होने के बाद से ही अब बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही भीड़ भरी वाली जगहों पर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। शहर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में राहत मिली है, इसी के चलते अब लोग मास्क को दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई डॉक्टर्स का कहना है कि ये लोगों की लापरवाही फिर से कोरोना वायरस को दावत दे रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सामाजिक दूरी व मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कोरोना हमारे बीच है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर हम ऐसे ही बाजारों में लापरवाही बरतते रहे तो पुराना समय लौट कर वापस आ सकता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रंजीत चौहान के साथ हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।